कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों लोग लड़ने वाले हैं, अस्त्र शस्त्र तलवार बाण चलने वाले हैं। ये धरती रक्त रंजित होने वाली है। उस युद्ध भूमि में खड़े होकर के अर्जुन ने भजन किया। हमारे चार दीवारी के युद्ध से तो हजारों गुना बड़ा वो युद्ध था। उस युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण का भजन किया। भजन का मतलब कोई माला लेके नहीं बैठा अर्जुन, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य ये बात मान ली। बस भगवान ने कहा तू मेरी शरण में दोनों हाथ उठा के आ जा, समर्पित हो जा, बस हो गया, विश्वास कर लिया। एक शायर ने कहा है, इश्क हो या जंग हो, इश्क हो यानी प्रेम हो या जंग हो, मजबूत होना चाहिए, बाद में नतीजा कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जब भरोसा कर लिया तो फिर डरना क्या। उठा दिए दोनों हाथ, हे सारथी आज से तू ही संभाल, अब मेरे बस की बात नहीं। अब जरा विचार करो कि युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर के अगर अर्जुन सत्संग सुन सकता है, भजन कर सकता है, भरोसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। हमारी परिस्थितियां इतनी तो खराब नहीं है कि हम युद्ध भूमि में बाण लेके खड़े और अब हमसे कोई कहे कि भजन करो, आराम से घर में है।